शनिवार की सुबह दो दोस्तों में हुए मामूली विवाद में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को चाकू से हमला कर मौत के घाट उतार देने की सनसनीखेज घटना सेंट माइकल स्कूल के पास घटित हुई। इस घटना की जानकारी मिलते ही क्राइम ब्रांच वसूली पथक में जख्मी को पहले अस्पताल रवाना किया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो वहीं आरोपी 23 वर्षीय सत्येंद्र यादव मानकापुर निवासी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। गुरुवार की सुबह मृतक के 25 वर्षीय प्रणय राजेश पात्रे बाराखोली इंदौरा निवासी अपने दोस्त सत्येंद्र यादव मानकापुर निवासी के साथ शहर के सेंट माइकल स्कूल के पास पोहे वाले के पास नाश्ता कर रहे थे। इसी दौरान प्रणय ने सत्येंद्र यादव की बहन पर टिप्पणी करते हुए कुछ बातें कह दी, जिसके बाद आवेश में आकर सत्येंद्र यादव ने अपने पास रखा चाकू उसके गले पर दे मारा। इतना ही नहीं तो उसे दूसरी ओर ले जाकर बेरहमी से मौत के घाट भी उतार दिया। जानकारी के अनुसार ये दोनों पर पहले से ही चोरी के कई मामले दर्ज थे, दोनों का आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है। दोनों आए दिन नशे में चूर रहकर इस तरह की वारदातों को अंजाम देते थे, ऐसी भी प्राथमिक जानकारी है। सदर पुलिस स्टेशन अंतर्गत गिट्टी गोदाम या भारत पेट्रोलियम के चौका मध्ये सकाळी 11 दरम्यान दोन इसमांमध्ये वाद झाला, त्यामध्ये एकाचा मृत्यू झालेला आहे। त्यासंबंधी आमचे डिटेक्शन पथक आणि इतर सर्व अधिकारी कर्मचारी काम करत आहेत। लवकरच आम्ही तो शोध घेऊ आणि कोणत्या कारणासाठी मारहाण झाली, का मारहाण करण्यात आली, यासंबंधी आमचा पुढील तपास सुरू आहे। या घटनेमध्ये जे आम्हाला माहिती मिळाली प्राथमिक, ते एकाच व्यक्तीचा सहभाग आहे, त्याच्या अनुषंगाने आपण चौकशी करत आहोत। आणि जो प्राथमिक आहे की दोन्ही काही कचरा वेचणारे किंवा कबड्डी काम करणारे लोक आहेत, तर कोणत्या कारणासाठी त्यासंबंधी त्यांचा वाद झाला ते पुढच्या तपासामध्ये कळून येईल। आरोपी ने पहले तो मृतक को अधमरा छोड़ वहां से फरार होने की कोशिश की, लेकिन ऐन वक्त पर क्राइम ब्रांच वसूली पथक की टीम ने उसे धर दबोचा और जख्मी को अस्पताल ले जाया गया। वहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बहरहाल शहर में इस तरह सरेआम दिन दहाड़े हुई इस हत्या की वारदात से पुलिस महकमे में भी खलबली मची हुई है। जहां एक ओर अब आरोपियों को पुलिस का भी खौफ नहीं रहा, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस वालों की अब दिन की नींद भी उड़ चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।